नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूज धरोहर पर आपके लिए लाए हैं गणपति बप्पा का विसर्जन। बप्पा के रंग में रंगे ये 10 दिन हम सबके लिए खास होते हैं। हम साल भर बप्पा का इंतजार करते हैं और फिर बप्पा हमारे घरों में आकर विराजते हैं। देखते ही देखते वो दिन आता है जब हम बप्पा का विसर्जन करते हैं और उनके फिर से आने का इंतजार करते हैं। हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव की रौनक देखने लायक होती है। इस उत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। दोस्तों, बप्पा के आशीर्वाद से ही भारत एक सूत्र हो सका। शायद आप में से बहुत लोग जानते हों कि लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी पर लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया और बुद्धि के दाता के आशीर्वाद से ही हम सब एक सूत्र में बंध सके और गणेश चतुर्थी के साथ भारत में गणपति बप्पा का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। 10 दिन तक हमारे साथ रहने के बाद बप्पा हमें छोड़कर अपने धाम वापस चले जाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार 1.5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11वें दिन बप्पा का विसर्जन करते हैं। इस साल अनंत चतुर्दशी का समापन 12 सितंबर को है। आइए जानते हैं बप्पा को विदाई किस तरह से देनी चाहिए। गणपति विसर्जन के नियम। हमारे चहेती गणपति बप्पा का विसर्जन करने से पहले गणपति की पूजा करें, भगवान को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाएं, उसके बाद गणपति को विदाई के लिए वस्त्र पहनाएं और एक कपड़े में सुपारी, दूवरा, मिठाई और कुछ पैसे रखकर उसे गणपति के साथ रख दें। विदाई से पहले गणपति की आरती के साथ जयकारे लगाएं, बप्पा से क्षमा प्रार्थना करके भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। विघ्नहर्ता आपकी बात जरूर सुनेंगे। पूजा सामग्री और हवन सामग्री का सामान जल में विसर्जित कर दें। बप्पा के विसर्जन को नदी, तालाब, कुंड या समुद्र में कर सकते हैं। महानगरों में जहां नदी या तालाब तक जाना कठिन होता है, वहां लोग जमीन खोदते हैं और उसमें जल भरकर प्रतिमा को विसर्जित कर लेते हैं। अगर आपके पास छोटी प्रतिमा है तो घर के किसी बड़े बर्तन में भी प्रतिमा विसर्जित कर सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि इस जल में पैर ना लगे। इस जल को गमले में भी डाल सकते हैं। गणेश चतुर्थी के समापन पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आस्था के इस सफर पर कल से शुरू हो रहे पितृपक्ष के वीडियोस देखते रहें सिर्फ न्यूज धरोहर पर।